हाय एवरीवन, आईएससी मैथमेटिक्स के सेवेंथ वीडियो में सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम आपके लिए आपके एक्सरसाइज वन सेट में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है उसको वेन डायग्राम की सहायता से सॉल्व करेंगे बच्चों। तो चलिए, वेन डायग्राम तो बच्चों आप लोग को आता ही है, अगर नहीं आता है तो पिछला लेक्चर देखने के लिए यहाँ पर आइकॉन होगा उस पर आप क्लिक करके वेन डायग्राम के बारे में हमने पूर्व में भी बताया है बच्चों, उसको आप देख लेंगे तो आपको आज का लेक्चर को समझने में और सहूलियत होगी बच्चों। तो चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। जैसा कि आपके बोर्ड में लिखा हुआ है, इन ए ग्रुप ऑफ 50 पर्सन 30 लाइक टी 25 लाइक कॉफ़ी एंड 16 लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, देन कह रहा है कि हाउ मैनी लाइक आइदर टी और कॉफ़ी एंड नंबर 2 Neither tea nor coffee। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका सॉल्यूशन है। एक बात ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पर वेन डायग्राम में बच्चे को अक्सर कन्फ्यूजन होता है। इन ए ग्रुप ऑफ जब कहा जाता है तो कभी कभार बच्चे को लगता है कि क्या यह यूनियन दिया है या यूनिवर्सल सेट दिया गया है। तो आप यूनिवर्सल सेट वही समझेंगे जहाँ पर क्वेश्चन में नाइदर और नॉर लगा हुआ रहेगा। अगर नाइदर और नॉर लगा हुआ मिल जाए तो जब भी ग्रुप बोले या टोटल बोले तब आप वहाँ उसको यूनिवर्सल सेट के रूप में यूज कीजिए बच्चों। देखिए वेन डायग्राम से बाकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहने वाला है। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है इसमें, इन ए ग्रुप ऑफ 50 पर्सन। तो यहाँ पर आपका 50 क्या हो गया, तो आपका ये हो गया यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ यू हो गया 50। क्यों? क्योंकि उस ग्रुप में से यह भी क्वेश्चन है कि ऐसे कितने हैं कि नहीं तो चाय टी पी रहे ना ही कॉफ़ी पी रहे हैं। इसका मतलब 50 में सबके सब टी या कॉफ़ी पीने वाले नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ भी नहीं पी रहे हैं, इसलिए वो आपका टोटल हो गया 50 यूनिवर्सल सेट बच्चों। तो इसको वेन डायग्राम की मदद से भी हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं, और आप वर्ड प्रॉब्लम में जितने भी आपके आएंगे इस चैप्टर में इन सबको आप फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं और वह वेन डायग्राम की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। लेकिन आपको वेन डायग्राम जरूर सीख लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत आसान भी होता है और अक्सर एग्जाम में लिख दिए जाते हैं कि इन प्रॉब्लम को वेन डायग्राम की सहायता से सॉल्व करें। इसलिए बच्चों वेन डायग्राम देखिए कितना हेल्पफुल है, अभी आपको समझ में आएगा। मान लीजिए टी पीने वाले का एक ये सेट को हमने टी मान लिया और इस सेट का नाम हमने कॉफ़ी दे दिया। तो कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों पी रहे हैं, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं बच्चों ये दोनों पीने वाले हैं, टी भी और कॉफ़ी भी। और कुछ ऐसे भी हैं जो ना तो चाय पी रहे हैं ना ही कॉफ़ी पी रहे हैं, तो वो आपका आ जाएगा इस ये जो रेक्टेंगल एरिया है उसमें जिस एरिया में ये सर्कल नहीं है, सर्कल के अलावा जो एरिया बच जाता है वही आपका नाइदर टी है और नॉर कॉफी है बच्चों। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, इस सेट का नाम आपने टी लिखा है तो वहां पे लिख दीजिए लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल दोज पर्सन हु लाइक टी एंड सी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज पर्सन हु लाइक कॉफी। तो चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, लेट टी बी टी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज पर्सन हु लाइक टी एंड C इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज पर्सन हु लाइक कॉफी। तब देखिए बच्चों आपका टोटल है 50, इसका मतलब है आप एक यहां पर एक और प्रोसेस यूज कर सकते हैं। मान लीजिए इस एरिया में केवल चाय पीने वाले, जैसे ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये इसमें केवल चाय पीने वाले एरिया है, इसमें कॉफी नहीं पीने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है, और ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसमें केवल कॉफी पीने वाला है,
चाय पीने वाला नहीं है, और ये जो आप एरिया देख रहे हैं इसमें दोनों पीने वाले हैं, और जिसमें कलर नहीं किए हैं वो जो एरिया देख रहे हैं वो ना ही चाय पीते हैं ना ही कॉफ़ी पीते हैं। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ए दे दें, इसका नाम ए दे दें, इसका नाम बी दे दें, इसका नाम सी दे दें, और जिसमें कलर नहीं किया उसका नाम डी दे दें। बच्चों ऐसा भी बना सकते हैं, दोनों प्रोसेस है, आपको जो अच्छा लगे आप वही प्रोसेस से इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए एक नंबर में पूछा है कि या तो चाय या तो कॉफी, तो ये पूरा ए प्लस बी प्लस सी मांग रहा है आपसे, या कहिए कि टी यूनियन सी मांग रहा है आपसे। तो टी यूनियन सी प्राप्त करने के लिए नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, सॉरी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी फॉर्मूला होता है। तो ये तीनों के तीनों आपके पास उपलब्ध है, नंबर ऑफ टी दिया हुआ है, नंबर ऑफ सी दिया हुआ है, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है। तो या तो चाय या तो कॉफी पीने वाले आपको सरल तरीके से तुरंत आप निकाल सकते हैं, और आप वेन डायग्राम की मदद से इसको बनाना चाहते हैं तो निकालना है आपको ए प्लस बी प्लस सी प्लस केवल ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए क्या लिखना है, देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपको दे रखा है 50। कैसे जाने टोटल 50 है, तो चाय पीने कॉफी पीने वाले और नहीं पीने वाले सब मिलके 50 है। उसके बाद कितना है बच्चों, आपका 30 जो चाय पी रहा है, यानी टी के अंदर में कौन कौन है देखिए, तो आप ए प्लस बी यानी ए प्लस बी इक्वल टू 30, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। एंड कॉफी पीने वाले कितने हैं बच्चे, तो 25 तो है। कॉफी के लिए क्या क्या है, तो बी प्लस सी इक्वल टू 25, ये हो गया आपका इक्वेशन 3। और दोनों पीने वाले कितने हैं बच्चों, तो 16, तो b इक्वल टू लिख देंगे 16। ठीक है, अब देखिए b का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो a निकल गया, b का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो c निकल गया, तो हमारे पास a b c सब उपलब्ध है। थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है बच्चों, और हम वेन डायग्राम से डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी आप अभी हम सॉल्व कर देते हैं, कॉपी कर लीजिएगा, उसके बाद शॉर्ट प्रोसेस से भी सॉल्व कर देंगे अभी तुरंत। तो लिखेंगे सीधा फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, वी गेट, देखिए 2 और 3 में बी का मान यहां से 16 रख दिए, ए प्लस 16 इक्वल टू 30, तो ए इक्वल टू आ गया आपका 40, वी गेट ए इक्वल टू 40, ए प्राप्त है बी प्राप्त है, ए हो गया बी पहले से पता था, केवल सी निकालना, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका रेडी। अब सी निकालने के लिए कहाँ से चलना होगा, तो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, सॉरी यहाँ 4 लेना होगा भाई, इसका नाम 2 है इसका नाम 4 है, तो 2 एंड 4। अब लिखेंगे अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, वी गेट क्या हो रहा है, देखिए 3 में आप b के प्लेस पर 16 रख दीजिए, तो 16 प्लस सी इक्वल टू 25, तो c इक्वल टू डायरेक्ट लिखिए सीधा c इक्वल टू 25 माइनस 16 9, c इक्वल टू सीधा लिख दीजिए 9, स्पेस कम है बच्चों इसे में हमको पूरा कर कंप्लीट करना है। तो अब देखिए आपके पास a पता है, b पता है, c पता है, तो एक नंबर नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक आइदर टी और कॉफी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, देख रहे हैं आप, एक नंबर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14 प्लस 16 प्लस 9, यानी 16 प्लस 9 हो गया 25 प्लस 14, ये हो गया आपका 39, तो एक नंबर का आंसर हो गया। नंबर दो में क्या पूछ रहा है, नाइदर टी नॉर कॉफी, नाइदर टी नॉर कॉफी इक्वल टू डी, तो डी इक्वल टू कैसे आएगा, तो ए पी सी का वैल्यू इसमें रख देंगे तो डी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दो नंबर डी इक्वल टू 50 माइनस ए प्लस बी प्लस सी यानी 50 माइनस 39 इक्वल टू 11, तो ये दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आपके पास रेडी है। इसको आप
वीडियो को रोकते हुए कॉपी कर लेंगे बच्चों। ये भी प्रोसेस है, एक अन्य प्रोसेस से भी हम तुरंत अभी बताते हैं। चलिए वीडियो को रोकिए, कॉपी कीजिए। आप कॉपी कर लिए होंगे बच्चों, इसको हम दूसरे तरीके से बताते हैं। फिगर थोड़ा बड़ा बन गया बच्चों, जगह थोड़ा कम बच गया। तो एक नंबर में क्या कह रहा है, नाइदर आइदर टी और कॉफी, आइदर टी और कॉफी। तो यहां पर हम ए बी सी वाला प्रोसेस नहीं लेंगे। तो एक नंबर लिखेंगे आइदर टी और कॉफी इक्वल टू नंबर ऑफ टी यूनियन सी, और नंबर ऑफ टी यूनियन सी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो नंबर ऑफ टी, अरे सॉरी मैंने नंबर ऑफ टी वगैरह लिखा नहीं है, सॉरी। अब देखिए इसका, अब इसका हम दूसरा प्रोसेस बताते हैं बच्चों। देखिए तो इसीलिए पहले आप इसका टी कितना है देखिए, तो नंबर ऑफ टी पसंद करने वाले कितने हैं आप देखिए 30, और कॉफी पसंद करने वाले कितने हैं 25, एंड दोनों पसंद करने वाले कितने हैं नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी तो है 60। एक नंबर नंबर ऑफ आइदर टी और कॉफी इक्वल टू नंबर ऑफ टी यूनियन सी, और नंबर ऑफ टी यूनियन सी इक्वल टू आपका बच्चों होता है नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। ये आपका हो गया 30 प्लस 25 माइनस 16, ये कितना हो रहा है देखिए 30 प्लस 25 55 माइनस 16, ये हो गया आपका 39। क्वेश्चन नंबर एक का सॉल्यूशन हो गया। दूसरा नाइदर टी नॉर कॉफी, नाइदर टी नॉर कॉफी इक्वल टू नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी, या कहिए ध्यान दीजिए इसको आप कॉम्प्लीमेंट सेट में पढ़े थे कि जो चीज इसके अलावे का चीज मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या होता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट। तो आप यहाँ शॉर्टकट में लिख सकते थे नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ टी यूनियन सी, ये भी लिख सकते थे, दोनों सही है। आप कंफ्यूज नहीं हो, जितने तरीके हो सकता है मैं सब बोल रहा हूँ बच्चों, आपको जो अच्छा लगे ज़्यादा समझ में आए वही चीज़ कीजिए। अब नंबर ऑफ यू कितना है देखिए, टोटल पर्सन कितना है बच्चों इसमें 50, यहाँ लिखिएगा 50 माइनस ये आ गया आपका 39 इक्वल टू 11। आप ब्रैकेट में लिख दीजिए टू, क्योंकि यू इक्वल टू 50। तो ये दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका रेडी हो गया। तो चलिए अब आप इसको कॉपी कर लीजिए बच्चों, चाहे तो पहले लिखे थे वो कॉपी कीजिए या तो इसे कॉपी कीजिए, दोनों ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर दो है, देखिए इसमें क्या लिखा है कि इन ए क्लास ऑफ ए सर्टेन स्कूल 50 स्टूडेंट ऑफर्ड मैथमेटिक्स, 42 ऑफर्ड बायोलॉजी एंड 24 ऑफर्ड बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर वन ऑफरिंग मैथमेटिक्स ओनली एंड नंबर टू बायोलॉजी ओनली एंड नंबर थ्री ऑफरिंग एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको भी हम लोग वेन डायग्राम की मदद से बच्चों सॉल्व करते हैं। हम लोग मैक्सिमम प्रॉब्लम को वेन डायग्राम की मदद से ही सॉल्व करेंगे। तो एक स्कूल में 50 मैथमेटिक्स में कितने हैं 50 और बायोलॉजी में कितने हैं 42 और दोनों पसंद करने वाले ये हैं 24। अब कह रहा है कि एक नंबर में केवल
हालांकि इसमें नाइदर नॉर का क्वेश्चन नहीं है बच्चों, इसलिए हम लोग यूनिवर्सल सेट इसमें नहीं लगाएंगे, सिर्फ समझ लेंगे कि यह दोनों के बीच यूनियन का गफ है, दोनों पढ़ने वाले हैं। इसमें एक भी ऐसा नहीं है जो ना तो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना ही बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो ऐसा जब क्वेश्चन नहीं रहे तो हम लोग यूनिवर्सल सेट की तरफ नहीं चलते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें पूछा है कि ओनली मैथमेटिक्स, तो ओनली मैथमेटिक्स यही है, ओनली बायोलॉजी ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये आपका ओनली बायोलॉजी है, ये पोर्शन देख रहे हैं ये ओनली मैथमेटिक्स है, ठीक है बच्चों। तो ये मांगा जा रहा है, तो ध्यान दीजिए नंबर ऑफ एम आपके पास है, तो नंबर ऑफ एम में से अगर हम ये पोर्शन हटा दें तो आप देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ एम ओनली मैथमेटिक्स मिल रहा है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, लेट लेट एम इक्वल टू सेट ऑफ m इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट हु ऑफर्ड मैथमेटिक्स एंड B इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट हु ऑफर्ड बायोलॉजी देन नंबर ऑफ एम कितना दे दिया है बच्चों 50 एंड नंबर ऑफ बी कितना दे दिया है 42 एंड नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन बी कितना दे दिया है तो 24। अब आपको मांग रहा है आइदर, तो एक नंबर ओनली मैथ, तो नंबर ऑफ एम माइनस बी यही मांगा जा रहा है, नंबर ऑफ एम माइनस बी इक्वल टू व्हाट, नंबर दो क्या मांगा जा रहा है नंबर ऑफ बी माइनस एम इक्वल टू व्हाट, एंड नंबर थ्री क्या मांगा जा रहा है आइदर एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट यानी आइदर मैथ और बायोलॉजी यानी नंबर ऑफ एम यूनियन बी मांगा जा रहा है बच्चों। तो लिखेंगे एक नंबर, चूंकि नंबर ऑफ एम माइनस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एम माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन बी, तो नंबर ऑफ एम कितना है बच्चों 50, तो 50 माइनस इंटरसेक्शन कितना है 24, तो ये हो गया आपका 26, एक नंबर का आंसर हो गया 26। दूसरा नंबर ऑफ बी माइनस एम ओनली बायोलॉजी नॉट मैथमेटिक्स, जब ऐसा क्वेश्चन रहता है कि केवल यह वह नहीं, तो जैसे केवल ए बी नहीं, तो आप सेट ए में से सेट बी के सारे एलिमेंट को माइनस कर देते हैं बच्चों। तो चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, ओनली बायोलॉजी नॉट मैथ इक्वल टू, बायोलॉजी में कितना प्रश्न है बच्चों नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ बी है 42 माइनस 24, ये आपका फाइनल रिजल्ट दे रहा है 80। आप देख सकते हैं इसका नंबर वन का सॉल्यूशन हुआ 26, नंबर टू का हो गया 18 एंड नंबर थर्ड देख लीजिए बच्चों, नंबर थर्ड कह रहा है कि नंबर ऑफ मैथ यूनियन बायोलॉजी, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन बी। तो देखिए नंबर ऑफ एम कितना है 50, नंबर ऑफ बी कितना है 42 एंड दोनों का इंटरसेक्शन कितना है तो 24, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होने वाला है। 50 प्लस 42 92 में चला जा रहा है आपका 24, तो आ गया रिजल्ट 68। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन है बच्चों, आप इसको कॉपी कर लें।
तो स्टूडेंट अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8, क्या है इसको पढ़िए ध्यान से कि इन एन एग्जामिनेशन 56% ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश एंड 48% फेल्ड इन साइंस, इफ 18% फेल्ड इन बोथ इंग्लिश एंड साइंस देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। तो इसको भी हम लोग वेन डायग्राम की सहायता से सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है कि इंग्लिश में कितना बच्चा फेल हो रहा है, तो इंग्लिश का परसेंटेज है 56 एंड आपका साइंस में 48। इंग्लिश में 56% बच्चे फेल हो रहे हैं और साइंस में 48% बच्चे फेल हो रहे हैं और 18 ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो रहे हैं। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो किसी में भी फेल नहीं हो रहे हैं, तो किस इसको वेन डायग्राम से पहले समझ लीजिए बच्चों। तो इसमें क्या कह रहा है, नाइदर इंग्लिश नॉर साइंस, इसका मतलब यह यूनिवर्सल सेट पर जाएगा, यानी एक रेक्टेंगुलर एरिया इसमें आपको ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों। तो चलिए हम एक रेक्टेंगुलर एरिया ड्रॉ कर दिए। तो ये जो यूनिवर्सल सेट होगा, यहाँ यूनिवर्सल सेट में कितना एलिमेंट होगा, आप इसको कैलकुलेट इसको थोड़ा सा सोचिए बच्चों कि यूनिवर्सल सेट बोले तो आपके यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 होता है, यानी जितने भी स्टूडेंट अपीयर्ड हुए हैं वो सारे के सारे आपका यूनिवर्सल सेट में काउंट हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ यू इक्वल टू 100 एंड 56% स्टूडेंट इंग्लिश में फेल हो रहा है, तो 56 आपका हो जाएगा नंबर ऑफ ई। एंड साइंस में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, तो साइंस में बच्चे हो रहे हैं आपका 48। तो ये मान लीजिए आपका इंग्लिश है, ये आपका साइंस है, तो ये जो है ये कॉमन एरिया ये आपका दोनों सब्जेक्ट के लिए, ठीक है बच्चों। और कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें कोई नहीं है, मतलब इस एरिया में जो भी स्टूडेंट होंगे वो ना तो इंग्लिश में फेल हुए रहेंगे ना तो साइंस में, तो वही ऐसे स्टूडेंट होंगे जो दोनों में किसी में भी फेल नहीं होंगे, तो वही आपको फाइंड करना है। तो वो कैसे निकलेगा, तो यूनिवर्सल सेट में से हम इन ये पूरा एरिया को अगर माइनस कर देंगे बच्चों, तो यहां पर जो बचा है वो आपका फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले चलिए ये आप इसको लिखते हैं हम लोग, लेट इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट हु फेल्ड इन इंग्लिश एंड S इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट हु फेल्ड इन साइंस देन नंबर ऑफ ई इक्वल टू दे रखा है बच्चों 56। यहाँ पर परसेंटेज में है बच्चों, हम लोग परसेंटेज लिखते नहीं है, फाइनली रिजल्ट इसका जब आएगा उसमें परसेंटेज में दे देंगे। तो नंबर ऑफ ई इक्वल टू कितना दे रखा है 56 एंड नंबर ऑफ एस कितना दे रखा है तो 48 एंड नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एस कितना दे रखा है तो 18 दिया है बच्चों। एक नंबर, इसलिए एक नंबर क्या मांगा जा रहा है कि दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट में बच्चे नहीं फेल हो रहे हैं, यही मांगा जा रहा है बच्चों। तो इसमें मांगा जा रहा है ई यूनियन एस का कॉम्प्लीमेंट, नंबर ऑफ ई यूनियन एस का कॉम्प्लीमेंट मांगा जा रहा है बच्चों। ई यूनियन एस अगर निकालेंगे तो किसी न किसी एक पेपर में वो फेल्ड होगा ही, या तो इंग्लिश में या तो साइंस में, और यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि किसी भी पेपर में वो फेल नहीं होना चाहिए, तो दोनों का यूनियन निकाल के यूनिवर्सल सेट में उसको हम माइनस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले यूनियन निकालना पड़ेगा बच्चों। तो चूंकि नंबर ऑफ ई यूनियन एस इक्वल टू नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एस, तो नंबर ऑफ ई कितना दे रखा है 56
नंबर ऑफ एस कितना है तो 48 एंड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का कितना है तो 18। ये आपका फाइनल रिजल्ट दे रहा है 6814 104 माइनस 18, तो आपका आ रहा है 86। ये आ गया कितने, ये 86 ऐसे बच्चे हैं जो किसी न किसी एक पेपर में फेल हैं, हम इसको यूनिवर्सल में माइनस कर देंगे, इसीलिए नंबर ऑफ ई यूनियन सी का डैश बराबर नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ई यूनियन एस बराबर 100 माइनस 86 इक्वल टू हो गया 14। हैंस लास्ट में लिख दिए, हैंस 14% स्टूडेंट पास्ट इन बोथ द सब्जेक्ट, यानी दोनों में पास है तभी वो किसी एक में भी फेल नहीं है, पास्ट इन बोथ द सब्जेक्ट। तो ये आपका सॉल्यूशन बच्चों कंप्लीट हो गया। अब आप इसको कॉपी कर लेंगे, इसको वीडियो को रोकिए और कॉपी कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए इसमें क्या लिखा है। इन ए ग्रुप ऑफ 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस, सॉरी तो अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बच्चों है इसमें लिखा हुआ, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपुल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस। इसको भी हम लोग पहले वेन डायग्राम बनाएंगे बच्चों, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है, टोटल 65 प्लेयर है जिसमें 40 को क्रिकेट पसंद है, ठीक है। 40 को कितने को क्रिकेट पसंद है तो 40 को, और ऐसे इसमें 10 ऐसे हैं जिनमें जिनको क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है। तो कह रहा है कि ऐसे कितने हैं जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है क्रिकेट नहीं, और ऐसे कितने हैं जिनको टेनिस पसंद है। तो चलिए ये क्रिकेट मान लेते हैं और ये टेनिस मान लेते हैं, ये दोनों है, ये दोनों आपका दे रखा है कितना तो 10 ऐसे है जो कि 10 ऐसे प्लेयर हैं जो टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद करते हैं। तो बच्चों इसमें आपका यूनिवर्सल सेट नहीं आएगा क्योंकि ना तो टेनिस ना तो क्रिकेट वाला गप इसमें नहीं है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं इसका, लिखते हैं सेट का नाम। आप हर एक क्वेश्चन में सेट का नाम लिख दिया कीजिए, तो लिखिए लेट सी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज पीपुल Who like cricket and T equal to set of all those people who like tennis, ठीक है। इस then number of C equal to कितना दे रखा है 40, नंबर छूट गया, नंबर ऑफ सी इक्वल टू 40 एंड नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू दे रखा है 10। एक नंबर क्या मांगा जा रहा है, केवल टेनिस पसंद करने वाला, यानी ये यानी टी माइनस सी, तो नंबर ऑफ टी माइनस सी इक्वल टू व्हाट, एंड नंबर टू में बोला जा रहा है नंबर ऑफ टी इक्वल टू व्हाट। तो बच्चों आपको पता है कि सी में अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो केवल ये होगा, उसी प्रकार टी में अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो केवल टेनिस क्रिकेट नहीं पसंद करने वाले मिल जाएंगे। और एक चीज में दिया है जो हम लोग छोड़ रहे हैं, वो है यूनियन, दोनों मिल के 65 पीपुल है, इसको भी लिख देना था बच्चों, नंबर ऑफ टी सी यूनियन टी इक्वल टू 65 है, इसको भी लिख दिए। तो एक नंबर क्या सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा, ये मांग रहा है नहीं, ये यही मांगा जा रहा है, तो
इसके लिए टी माइनस सी तो टी भी तो नहीं है, टी भी नहीं है। अब क्या करें देखिए, यूनियन निकाल लीजिए। यूनियन में अगर हम ये पूरे माइनस कर देंगे तो यही बचेगा बच्चों, बिल्कुल बचेगा। अब देख पा रहे हैं तो चूंकि नंबर ऑफ टी यूनियन सी यूनियन टी, सॉरी सी यूनियन टी तो दे, ओ ये तो दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटल दे रखा है बच्चों। आप टोटल में से इस पूरे सी को घटा दीजिए तो ये बच जाएगा। तो एक नंबर, नंबर ऑफ टी माइनस सी इक्वल टू नंबर ऑफ सी यूनियन टी माइनस नंबर ऑफ सी। तो नंबर ऑफ सी यूनियन टी है 65 माइनस नंबर ऑफ सी है 40, यानी कुल मिला के हो गया 25। एंड नंबर टू देखिए बच्चों, नंबर ऑफ टी मांगा जा रहा है तो नंबर ऑफ टी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ टी माइनस सी माइनस या टी माइनस सी प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। नंबर ऑफ टी माइनस सी प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, तो इंटरसेक्शन भी तो दिया है, हाँ 10। ये कितना निकाले हम लोग अभी, 25 प्लस ये कितना है 10, आपका फाइनल रिजल्ट आ गया 35। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने आज सॉल्व कर दिया है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है बच्चों तो लाइक कर दें और अपने सभी मित्रों के पास इसे शेयर भी कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमें और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे बच्चों। धन्यवाद।